जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, चाहे वो आप लोग बीए किए होंगे या बीएससी किए होंगे या बीकॉम किए होंगे, चाहे वो आप लोग ऑनर्स के रूप में ग्रेजुएशन किए हैं या फ्रेंड्स आप लोग पास कोर्स के जनरल पास कोर्स के थ्रू आप लोग अपना ग्रेजुएशन किए होंगे, तो सभी स्टूडेंट का यहाँ पे एक डाउट था कि सर हम लोग का ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि ओरिजिनल मार्कशीट तो आप लोगों का कॉलेज के स्तर पे चला जाता है, लेकिन ओरिजिनल जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो आप लोग को यूनिवर्सिटी स्तर पर मिलता है। यह डिग्री सर्टिफिकेट आप लोग को 2 से 3 ईयर आप लोग को लग जाता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी आप लोग को अलग से नोटिफिकेशन निकलता है। यदि आप लोग ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं तो मिनिमम आप लोग को 2 साल इंतजार करना पड़ेगा डिग्री सर्टिफिकेट के लिए। तो इसके लिए आप लोग एलिजिबिलिटी है, आप लोगों का ग्रेजुएशन 2 साल पहले पास हो चुका है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है इसके बारे में हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को छात्र हित में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बहुत ही परिश्रम से आप लोग को यह वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि पहला काम है एक एप्लीकेशन लिखिएगा। मूल प्रमाण पत्र के लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिखकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का आप लोग को एडमिट कार्ड, तीनों का मार्कशीट आप लोग को और रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ साथ यह सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर जाना है कॉलेज में। कॉलेज में जाके आप लोग को वेरीफाई करवाना होगा, वेरीफाई अर्थात फॉरवर्डिंग करवा लेना है। फॉरवर्डिंग करवाने के बाद अब उसके बाद क्या करना है कि आप लोग को ऑनलाइन चलान कराना होगा। यदि आप लोग जब पार्ट 3 का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे उस टाइम यदि आप लोग मूल प्रमाण पत्र के लिए फी जमा कर दिए हैं तो आप लोग को चार्ज नहीं लगेगा। यदि आप लोग उस टाइम जमा नहीं किए हैं तो चार्ज लगेगा। इसके लिए आप लोग को 500 रुपया लगने वाला है मूल प्रमाण पत्र के लिए। तो मूल प्रमाण पत्र के लिए आप लोग ऑनलाइन कर दीजिएगा। कैसे किया जाता है इस पे हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा या इस वीडियो के अंत में आप लोग को लिंक जो है प्रोवाइड कर देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में भी आप लोग को लास्ट में दे देंगे। इसी वीडियो में आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा कैसे आप लोग को घर बैठे ही खुद के मोबाइल से आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। यह सारा आप लोगों को जो ऑनलाइन करेंगे वह आप लोगों को ईमेल आईडी अच्छे से डालिएगा। ईमेल आईडी पे ही क्योंकि ईमेल आईडी पे ही एक पीडीएफ जाएगा, उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के पश्चात उसमें अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आप लोग को 0 माइल जाना है। 0 माइल आप लोग को न्यू कैंपस में जाना है एग्जामिनेशन भवन में, और एग्जामिनेशन भवन में जाके 2 नंबर या 3 नंबर काउंटर पे आप लोग वहाँ पे पूछ लीजिएगा, कभी कभी चेंज हो जाता है। तो आप लोग वहाँ पे जाके जमा कर दीजिएगा। जमा करने के तत्पश्चात आप लोग को इंतजार करना होगा कम से कम एक मंथ में जाके आप लोग को वहाँ पे बीच बीच में आप लोग विजिट भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। वहाँ पे स्टेटस भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कैसे स्टेटस चेक करना है वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग को ऑफलाइन विधि द्वारा अर्थात आप लोग को यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ पे भी आप लोग को चेकआउट कर सकते हैं कि आप लोगों का कहाँ तक प्रोसेस जा चुका है। ठीक है, ज्यादा दिन हो जाएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज्यादा दिन नहीं होना चाहिए, एक मंथ के अंदर में आप लोग को डिग्री सर्टिफिकेट जो है मिल जाना चाहिए। किसी भी हालत में आप लोग ले लीजिएगा वरना पैसा बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर से आप लोग को प्रोसेस जितना प्रोसेस हम बताए वह सारा प्रोसेस आप लोग को फिर से करना होगा। तो एक मंथ में आप लोग कैसे भी करके वहां से डिग्री सर्टिफिकेट ले लीजिएगा यदि आप लोग जमा कर देते हैं। तो कहते हैं कि आप लोग ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।